मंगोलिया के खिलाफ फास्टेस्ट सेंचुरी बना के T20 में अपना एक सेंचुरी जड़ दिया। इसके साथ ही चौथा नंबर का बल्लेबाज नेपाल क्रिकेट हिस्ट्री में बन गया, जो कि दोनों ही फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। और साथ में तीन कौन से वो बल्लेबाज है जो नेपाल क्रिकेट टीम के लिए ODI और T20 दोनों में शतक लगा चुके हैं, तो बताया जाए तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेपाल क्रिकेट टीम के लिए। वही पहला नंबर पे आता है पारस खटका, जिन्होंने T20 और ODI दोनों में अपना सेंचुरी बना लिया। वही बताया तो दूसरा नंबर पे आते हैं दीपेंद्र सिंह एरी, यानी कि टाइगर, जो 9 गेंदों में 50 रन बनाए हैं। वो इससे पहले दोनों ही फॉर्मेट में अपना सेंचुरी जमा चुके हैं। तीसरा नंबर पे बताया जाए तो कुशल बुर्देल आता है, जिन्होंने दोनों ही फॉर्मेट में अपना सेंचुरी लगा के डंका पहले से ही बजा दिया है। और चौथा नंबर पे आते हैं कुशल मल्ला, जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड ही नहीं, दोनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाला चौथा बल्लेबाज बन गए नेपाल क्रिकेट टीम की ओर से। तो अगला मैचअप मालदीव के खिलाफ है, उसमें डट के मुकाबला होगा। और प्लस पॉइंट नेपाल का ये रहेगा कि जितना रिकॉर्ड बना है उसका डबल रिकॉर्ड नेपाल क्रिकेट टीम बना दे मालदीव के खिलाफ। तो जाने क्यों, क्योंकि मालदीव का ए टीम नहीं आ रहे है, बी टीम को पठाएंगे। उस दिन उनका WC क्वालिफायर का मैच है, सो बी टीम आने वाला है। और इतना बड़ा टीम नहीं है मालदीव की, दो टीम खड़ा कर ले तो सोचो जिस तरह से मंगोलिया का हश्र हुआ, कहीं वैसा ही हश्र मालदीव का भी ना हो जाए। तो ऑल द बेस्ट नेपाल क्रिकेट टीम, और आए के वीडियो के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। जय नेपाल, जय नेपाल क्रिकेट टीम।